बच्चों आज मैं आपको सोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप हमारा जो एक वीडियो राहुल फ्लॉप पे बना है उसे आप पहले अच्छी से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप इसको पढ़िएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। बच्चों अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, क्या था बच्चों हमारा राउल्ट्स लॉ, याद है आपको? मान लो ये सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है ए और बी से, और इस सोल्यूशन का अगर हमको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो याद कीजिए हम लोग उसका निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, पी एस इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। दिस इज योर राउल्ट्स लॉ। अगर हमारा दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, ए भी हमारा लिक्विड है और बी भी अगर हमारा लिक्विड है, तो ऐसे सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालने का हमारा ये फॉर्मूला था। कोई भी सोल्यूशन बच्चों अगर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, वैसे सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। दो सोल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा मीन्स व्हाट, पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। देखो बच्चों नॉट इक्वल टू, ऐसे सोल्यूशन को जो राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, वैसे सोल्यूशन को बच्चों हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलो इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों जो आइडियल सोल्यूशन हम बनाते हैं, जो हम ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें हम मानकर ये बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन कि हमारा जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है, कोई भी सोल्यूशन बच्चों बनते हैं इसमें एक सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा। हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो ऐसा सोल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना, इसमें एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा दूसरा सॉल्यूट होगा, दोनों को मैं मान रहा हूं कि दोनों हमारा लिक्विड है। ये जो आइडियल सोल्यूशन हम बनाते हैं इसमें मानकर चलते हैं बच्चों कि हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है, बीच का जो इंटरेक्शन है किसके बीच में बच्चों, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, ये तीनों इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। तीनों इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप जो इसका टोटल वेपर प्रेशर इस फॉर्मूला से जो फाइंड आउट करते हो बच्चों पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करेगा। इस फॉर्मूला से जो टोटल वेपर प्रेशर निकालो और एक्सपेरिमेंटली सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालो, दोनों सेम आएगा। कब सेम आएगा, जब ये तीनों इंटरेक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तीन तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट, ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वह सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं और आपको क्लियर होगा। जैसे बच्चों अगर हम इस सॉल्यूशन में बेंजीन ले लेते हैं, आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H5CH3, ये हमारा टॉलिन। बच्चों ये जो हमारा दोनों कंपोनेंट है इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ये आपस में कंबाइन नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यहां इस केस में बेंजीन और बेंजीन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, टॉलिन और टॉलून टॉलिन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है, और बेंजीन और टॉलिन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन का अगर आप टोटल वेपर प्रेशर निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो टोटल वेपर प्रेशर निकालोगे बच्चों वह दोनों सेम होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ फॉर्मूला एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड फ्रॉम बाय एक्सपेरिमेंट, अगर दोनों सेम आ गया तो हम कहेंगे कि यह सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन है।
सेम कब आएगा, जब ये तीनों इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो वो तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी आपका ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। लेकिन इन केस अगर ये वैल्यू डिफरेंट आ जाता है, यानी राउल्स लॉ के द्वारा जो आप टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालते हो और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो टोटल वेपर प्रेशर निकालोगे, अगर वह दोनों डिफरेंट आ गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। हाँ, तो हम देखते हैं बच्चों एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों। एग्जांपल हम ले रहे हैं इथेनॉल, एक कंपोनेंट हमारा इथेनॉल है और एक कंपोनेंट हम हेप्टेन लेते हैं। बच्चों हेप्टेन का नाम सुने हो? हेप्टेन अल्केन क्लास का एक कंपाउंड है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH और हेप्टेन का फॉर्मूला C17H16। मान लो बच्चों हम इस दो कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसमें हमारा एक कंपोनेंट बच्चों क्या है, इथेनॉल है और दूसरा कंपोनेंट हमारा हेप्टेन है। होता क्या है बच्चों, जब आप ये सॉल्यूशन बनाओगे तो ये हेप्टेन क्या करता है, इथेनॉल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन, देखो बच्चों इथेनॉल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखना इधर C2H5OH, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स आपस में जुटे हुए हैं, लेकिन ये हेप्टेन का मॉलिक्यूल क्या करता है, C17H16, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये जो इथेनॉल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये कमजोर कर देता है, जिसके कारण ये इथेनॉल का ज्यादा वेपर बनने लगता है। बच्चों हमको करना क्या है, हमको इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर देखना है निकालकर, क्या वो टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर जाएगा तो आइडियल होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो नॉन आइडियल। लेकिन यहां मैच नहीं करता है। क्यों नहीं मैच करता है? क्योंकि यहां इथेनॉल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये हेप्टेन का मॉलिक्यूल कमजोर कर देता है, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं और आसानी से वेपर में चले जाते हैं। द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेज, ये बढ़ जाती है, इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के द्वारा जो हम लोग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालेंगे उससे ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, जहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वह राउल्स लॉ के द्वारा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राउल्स लॉ के द्वारा बच्चों किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, PA0xA + PB0xB। इस फॉर्मूला से जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आप इसका निकालो और इसी सॉल्यूशन का अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर निकालो एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बच्चों ये ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ इथेनॉल के स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हेप्टेन मॉलिक्यूल। तो ऐसे सॉल्यूशन को बच्चों हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का केस है, क्योंकि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। क्लियर? इसी को हम अगर दूसरे ढंग से अगर आपसे बताएं, मान लो हमारा एक सॉल्यूशन है बच्चों, मान लेते हैं मेरा एक सॉल्यूशन है एसीटोन, ले लेते हैं एसीटोन बच्चों, पता है आपको CH3COCH3 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्या होता है बच्चों कि इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। देखो एसीटोन और इस क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। यहां तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो यहां पे क्या होगा, इस दोनों मॉलिक्यूल्स की स्कैटरिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वेपर में जाएगा ही नहीं। वेपर में नहीं जाएगा तो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो राउल्स लॉ के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला,
और इसका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर निकालोगे बच्चों, दोनों वैल्यू मैच नहीं करेगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वो राउल्ट्स लॉ के द्वारा निकाले गए टोटल वेपर प्रेशर से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? बिकॉज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों मॉलिक्यूल्स की स्कैटरिंग टेंडेंसी घट जाएगी, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो बच्चों शायद आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझा दिया है। अब मैं इसको नोट करा दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट करो क्या है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? चलो सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। बच्चों जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल बताया है, बेंजीन प्लस टॉलीन। बच्चों इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बच्चों क्या एग्जांपल होगा? सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। बच्चों जो राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, That is known as non-ideal solution. Not follow Raoult's law means PS solution का जो total vapor pressure होगा not equal to PA not XA plus PB not into XB. बच्चों यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, the solution which follow Raoult's law means what? PS is equal to PA not XA, ये हमारा Raoult's law है, plus PB not XB. ये आप यहाँ पे note कर लेंगे। ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, बट दिस सॉल्यूशन नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, पीएस इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। बच्चों इसका एग्जांपल क्या होगा? अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिया हूं, इसका एग्जांपल मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूं। इसका एग्जांपल हमारा होगा एक एसीटोन नहीं, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एसीटोन। ठीक है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। बच्चों ये हमारा एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और हम क्या एग्जांपल लेते हैं? अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिया हूं बच्चों, इथेनॉल प्लस हेप्टेन। ये सब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं, शायद आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट। बच्चों आप इसको साफ साफ नोट कीजिए। बच्चों यहां पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं। कितने टाइप्स के होंगे? ये दो तरह के होंगे, एक होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा बच्चों होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा मैं इस दोनों का एग्जांपल से आपको पहले समझा दिया है, मैं इस पे यहां नोट करा दे रहा हूं। चलो वन बाय वन हम लोग दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्या होगा बच्चों? क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन? अगर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दी
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड नॉन एडजस्टेबल विद पॉजिटिव डेविएशन। इफ टोटल हाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द वैल्यू obtained by Raoult's law, then it is called non-ideal solution with पॉजिटिव। बच्चों इसमें सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाए। देखो बच्चों ग्रेटर देन का साइन है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स वी। बच्चों इसका एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया है, इथेनॉल प्लस हेप्टेन। क्या होता है बच्चों, ये हेप्टेन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इथेनॉल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है, जिसके कारण इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की वेपर में जाने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा वेपर बनने लगता है, जिससे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सो हमने ये सिंबल यूज किया, पीएस इज ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट, सो इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है बच्चों, पहले मैं आपको समझा दिया हूं, अब मैं आपको ये नोट करा रहा हूं, इसको आप साफ साफ नोट करेंगे। ये बच्चों हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। बिल्कुल इसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का केस होगा। नेगेटिव डेविएशन में बच्चों क्या करना है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर की जगह हम क्या कर देंगे यहां लोअर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव घटाइए यहां नेगेटिव डेविएशन। इसी फॉर्मूला में जो ग्रेटर देन का साइन है इसको आप स्मॉलर देन कर लीजिए, ये आपका हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का केस। और इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। बच्चों ये हो गया हमारा केस नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का। तो बच्चों हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अलग अलग ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक और इसका तरीका है इसको समझने का, उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो क्लियर, इन सबको नोट कर लीजिए। बच्चों इन बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान से इसको समझो बच्चों, इन बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों समझते हो, वो ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये जो बाइनरी सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसमें तीन तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स का जो काम करता है वो काम करता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के बीच में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दूसरा फोर्स जो बच्चों काम करता है वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में। और तीसरा फोर्स जो काम करता है बच्चों वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट के भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ध्यान से समझना सर, आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, इफ ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट नहीं आर इक्वल, देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। दोज सॉल्यूशन इन विच ऑल द थ्री फोर्स
बच्चों वैसा सॉल्यूशन जिसमें ये तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल हो, बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको चेक कर ले रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए दिखाई आपको दे रहा है बच्चों, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इक्वल होगा, कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर कम होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे वेपर में तो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेंसिटी। बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चों इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज लेस देन द एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ज्यादा वेपर बनेगा ना यहाँ पे, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा बच्चों तो इनकी जो स्कैपिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ के द्वारा जो आप कैलकुलेट करेंगे उससे ज्यादा आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और जस्ट इसका एक और केस होगा, क्या होगा बच्चों, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अगर ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज, बच्चों यहां लेस की जगह हाई कर दीजिए, हायर देन द एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट देन such solution is called non-ideal solution with negative deviation। क्लियर बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलो इसको साफ साफ आप लोग नोट करो। देखो मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अलग अलग ढंग से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, नहीं वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट कीजिए। चलिए सो आई एम गोइंग टू रन इट। बच्चों मैं इस वीडियो में आपको
आज आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो बच्चे हम इसे अब ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? वैसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ का मेरा इक्वेशन क्या था बच्चों, याद करो, पी ए इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट इनटू एक्स। मान लो किसी कंपोनेंट का हमको अगर वेपर प्रेशर निकालना है, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते थे। बच्चों इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या ये इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच कर रहा है। वाई इक्वल टू क्या आपने पढ़ा, एम एक्स प्लस सी। बच्चों अगर मैं इसको यहां अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चों, वन टू, इफ कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो बच्चों हमको एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बच्चों यहां एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, प्रेशर को लेना है। तो क्या आएगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होता है आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, जो हमारा लाइन इस वाई एक्सिस को जहाँ कट करता है ना बच्चों, उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। इसी हमारा वाई, इसी हमारा इंटरसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पर इसका जो काउंटर पार्ट है ये जीरो है, इसलिए हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन का। बच्चों यहाँ पर इसका जो स्लोप है बच्चों, इस एम को स्लोप कहते हैं। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ई ए नॉट के स्लोप। बच्चों ये है स्लोप हमारा, ये स्लोप है हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना बच्चों, इसको स्लोप कहते हैं। तो ये हमारा स्लोप किसके बराबर हो गया, यहाँ पर पी ए नॉट के बराबर हो गया। ये तो आप मैथ में पढ़ जानते होगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, दिस इज सिमिलर टू ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इससे हमारा ये ग्राफ आ गया। हम क्या करने जाते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। चलो देखते हैं इस ग्राफ। आइडियल सॉल्यूशन का पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। चलो हमारा इक्वेशन बच्चों क्या है, इक्वेशन हमारा मान लो अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें एक कंपोनेंट का प्रेशर कैसे निकालते हैं बच्चों, पी ए नॉट इनटू एक्स ए से। दूसरे कंपोनेंट का प्रेशर कैसे निकलता है, पी वी नॉट इनटू एक्स बी से। और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट इनटू एक्स बी। बच्चों इसका ग्राफ तो बिल्कुल इससे मैच करेगा, इसका ग्राफ भी इससे मैच करेगा, और दोनों ग्राफ को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ आ जाएगा। इसमें हमको पहले इसका इसका ग्राफ बना के फिर दोनों को कंबाइन कर देना। चलो कंबाइन करते हैं। चलो बच्चों एक तरफ हम लेते हैं ये, बच्चों मेरा ये इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूं। बच्चों यहां दो दो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन, दोनों को मैं इसी ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो बच्चे हमारा ये एक्स ए है, ये मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए का वैल्यू मान लो यहाँ पर वन है, मोल फ्रैक्शन बच्चों मान लो ये 0.8 है मोल फ्रैक्शन, ये 0.6 है, ये 0.4 है, ये 0.2 है, और यहाँ पे जीरो है, एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो है। बच्चों यहाँ एक्स का भी इसमें दिखा रहे हैं, बी का भी। मान लो यहाँ एक्स बी का वैल्यू 1 है बच्चों, इधर हो गया इसका वैल्यू 0.8, इधर ये 0.6, 0.4, 0.2, और बच्चों यहाँ एक्स बी का वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स ए का वैल्यू 0 है। देखो बच्चों एक्स ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ एक्स बी का मोल फ्रैक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बच्चों इस ग्राफ में आपने क्या देखा है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, या मोल फ्रैक्शन आप यूं कहो जैसे जैसे घटेगा, पार्शियल इसका इसका ग्राफ भी घट, पार्शियल प्रेशर का ग्राफ भी घटेगा। देखो बच्चों यहाँ x इक्वल टू 1, x भी इक्वल टू 0, अगर इस सॉल्यूशन के टोटल वेपर, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैं x भी की जगह 0 लिखूंगा तो बच्चों ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम एक्स ए का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर पी ए नॉट के बराबर होगा। एक्स ए अगर 1 होगा, ये मान लो हमारा पी ए नॉट है, और बच्चों जैसे जैसे ये तो जीरो हो गया, जैसे जैसे एक्स ए का वैल्यू घटेगा, देखो बच्चों 1 से 0.8 ये डिक्रीज कर रहा है, तो जब इसका वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू भी घटेगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर घटेगा। तो ग्राफ बच्चों आपका यहाँ पे ऐसे आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
जब एक्स ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो सबसर का टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो वेपर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर। सिमिलरली बच्चों अगर हम यहाँ पे आओ, इस डाटा में आओ, अगर एक्स ए जीरो रखेंगे, अब एक्स ए जीरो रखेंगे तो बच्चों ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक्स बी का वैल्यू वन रखना है, एक्स बी का वैल्यू वन रखेंगे यहाँ पे तो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। चलो ये हमारा हो गया पी बी नॉट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, ये हो गया। अब बच्चों देखो बी का डाटा लेना है, देखो इधर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो ग्राफ भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ये देखो बच्चों ग्राफ हमारा यहाँ पे आ गया और इस दोनों को मिला दो यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया बच्चों। ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी का ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ हमारा किसका हुआ बच्चों, ए, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ हमारा है पी ए इजिकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए का ग्राफ है बच्चों। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बच्चों ये ग्राफ हो गया पी बी इजिकल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी का ग्राफ हो गया। तो ये बच्चों हमारा आइडियल सोल्यूशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफ को आप नोट कर लें। देखो बच्चों ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मैंने आपको ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश किया, क्लियर। तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में केस वन विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये जो तीन इक्वेशन आपने पढ़ा है इसमें सिर्फ ग्रेटर देन का साइन देना है। यहाँ पे पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी एंड पी एस इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या करना है ग्राफ में, सभी को आप बढ़ा दीजिए। ये देखिए सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे उससे ज्यादा आ गया, सभी का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए बच्चों। ये हमारा ग्राफ हो गया, यहाँ पर ये पी एस सी ग्रेटर देन हो जाएगा, पी बी ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ भी ये ग्रेटर देन होगा। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। पॉजिटिव डेविएशन में बच्चों को क्या, बच्चों क्या करना है, सॉल्यूशन के भर वेपर प्रेशर को, टोटल वेपर प्रेशर को जो राउल्स लॉ के द्वारा, राउल्स लॉ के द्वारा जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसका कर दीजिए। इससे ज्यादा हो पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। देखो बच्चों ग्राफ को मैंने ऊपर बढ़ा दिया, इसमें सारे ग्राफ को आपको ऊपर बढ़ाना है। सिमिलरली अगर आपको ये नेगेटिव डेविएशन का केस है बच्चों, केस नंबर टू, यहाँ पर विद पॉजिटिव की जगह मैं अगर नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव डेविएशन का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, जो ग्रेटर देन का साइन है ये स्मॉलर हो जाएगा और स्मॉलर होगा तो ये जो सारे जो आप ऊपर की तरफ जो दिखाए हैं इसको अब क्या कर देना है, नीचे की तरफ। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। बच्चों अब हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये तो बच्चों हमारा राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर का एक ग्राफ है। अब इससे नीचे की तरफ आप डॉट से दिखा दो बच्चों, ये नेगेटिव डेविएशन का केस होगा। इस सारे ग्राफ में आप नीचे की तरफ दिखाइए। सो बच्चों दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, क्लियर। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।